किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं आपके बहुत सारे कीट मित्र भी होते हैं और आप कई बार दवाइयां छिड़कते हैं खाली कीट को मारने के लिए। इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन से हमारे मित्र कीट हैं, कौन से फ़ायदेमंद हैं और ये मित्र कीट आपको पता है ये उन कीटों को खाते हैं या उन लार्वी कैटरपिलर को खाते हैं जो आपकी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए विशेष ध्यान दें। हम आपको 5-6 ऐसे कीट बताएंगे जिनकी आपको पहचान भी हम कराएंगे और आपको उनको बचाना है। अगर उनकी जनसंख्या है आपके पौधे पे तो आपको दवाइयाँ छिड़कने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ग्रीन लेस विंग है, एक ऐसा कीट है जो कि लार्वी को भी खाता है, एफिड को भी खाता है और एफिड आप जानते हैं कि हमारी फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला कीट है। एक प्रेइंग मैंटिस है, ये भी एक ऐसा कीट है जो लार्वी को, कैटरपिलर्स को, जो सूंडी वाले जितने कीट हैं उनको खाता है। एक ग्राउंड बीटल है, काले रंग का होता है और आपने देखा होगा कि वो खेत में, ज़मीन में काफ़ी तेज़ी से चलता है और नीचे जितने भी हमारे कीट हैं भूमि में या तने के बिल्कुल सतह पर लगने वाले जितने कीट हैं उनको ही नष्ट करता है। ऐसी प्रेडेटरी बग है, ये भी बहुत हमारी मित्र कीट है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बम्बल बी, जैसे आप जानते हैं मधुमक्खी की तरह होता है और ये ऐसे कीटों को खाता है कि जो हमारे फूलों पे या दूसरों पे काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, विशेष ध्यान रखें, दवाई छिड़कने का समय का ध्यान रखें, कब ये हमारे कीट हमारी फसलों पे आते हैं इसका भी विशेष ध्यान रखें। और हम तो ये कहते हैं कि जैसे अगर हमारी मधुमक्खी आती है, देखिए बहुत सारे ऐसे कीट हैं जिसमें मधुमक्खी हमारी एक बहुत ही मित्र कीट है, जो पॉलिनेशन का काम करती है, परागकण का क्रिया उसी से होती है और हमारी पैदावार फसलों की उससे बढ़ती है। यदि मधुमक्खी नहीं आएगी तो बहुत सारी फसलें उनमें बीज ही नहीं बनेगा। और ख़ास तौर से हम आपको समय बता दें, 12-1 बजे तक ये मधुमक्खियाँ बहुत विजिट करती हैं। आप उस समय को थोड़ा सा ध्यान रखें और उस वक्त कोई भी कीटनाशक दवा अपनी फसलों पर ना छिड़कें, जिससे कि हमारे इन कीटों का बचाव हो और ये हमारी सहायता करें, हमारे मददगार हों।